सोलन शहर में फल और सब्जी विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर सब्जी बेचने का मामला सामने आया है। इससे न केवल आम जनता को परेशानी हो रही है बल्कि महंगाई भी आसमान छू रही है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की है। इस पूरे प्रकरण पर उपमंडलाधिकारी डॉक्टर पूनम बंसल स्वयं निरीक्षण करने मौके पर पहुंची और मनमानी करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे गए। उन्होंने कहा कि सब्जी विक्रेताओं के चालान काटे गए हैं और साथ ही उन्हें आगे से ऐसा न करने की हिदायत भी दी गई है। उन्होंने कहा कि हर माह इस तरह के निरीक्षण वो सुनिश्चित करेंगी ताकि सब्जी व फल विक्रेता मनमानी न कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम हमारा एरिया है और यहाँ पे सब मैं ओवर चार्ज ताकि लोग उससे ज्यादा ना रेट चार्ज करें, तो उससे संबंधित आज इंस्पेक्शन की जा रही और फ्रेड प्राइस शॉप्स की भी गुणवत्ता क्वालिटी वगैरह चेक हमारा मंथली बेसिस पे इंस्पेक्शन जो है डीएफएससी ऑफिस के साथ मिलकर हम किया।